खुला शौच मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट विभाग ने हिमाचल पर पूरी तरह से फोकस करके खुला शौच मुक्त बनाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। पूरे हिमाचल में 30% खुला शौच मुक्त नहीं होने पर जागरूकता अभियान के माध्यम से काम करना शुरू किया गया है, जिसके तहत ही नगर परिषद हमीरपुर में खुला शौच मुक्त को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता नगर परिषद के अध्यक्ष सुलोचना देवी ने की। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में नदौन, सुजानपुर, भोटा, हमीरपुर के वार्ड पार्षदों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों ने भाग लिया। इस मौके पर दिल्ली से आए योजिका ने कार्यशाला में मौजूद पार्षदों और महिलाओं को खुले में शौच मुक्त के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर लोगों ने अपने अपने सुझाव भी दिए। खुले में शौच जाने से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक किया गया। योजिका ने स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से आह्वान किया कि वह पार्षदों के साथ मिलकर अपने क्षेत्र को शौच मुक्त बनाएं। रिसोर्स पर्सन योजिका ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन में हमीरपुर का नाम अभी बहुत पीछे है और इसी के चलते जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 30% खुला शौच मुक्त नहीं है, जिसके लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई जगहों पर शौचालय बनाने के लिए समस्या पेश आ रही है, जिसे दूर करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। मैं योजिका हूँ वॉशाई से। हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। आपके हिमाचल में आए हैं क्योंकि यहाँ पे ODF का प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। ओपन डेफिकेशन फ्री हिमाचल अभी तक नहीं हो पाया है। अभी भी लोग ओपन में खुले में शौच जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी बीमारियां फैल रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन में हमीरपुर का नाम अभी तक ज्यादा अच्छे से नहीं है, इसलिए हम यहाँ के लोगों के साथ कॉपरेट करने के लिए जागरूकता के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग काउंसलर्स, ईओ सर सब बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं और हिमाचल में एक्चुअल में 70% से ज्यादा ODF है। 30% का टारगेट इन लोगों को सेलेक्ट करना है, जिसके लिए आने वाले कुछ 2-3 महीनों में उसको ODF डिक्लेयर करना है। एप्लीकेशन फ्री है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोगों के पास लैंड नहीं है टॉयलेट्स बनवाने के लिए और जो लैंड है वो फॉरेस्ट एरिया की है, तो उसके लिए हमने सजेस्ट किया है कि आप फॉरेस्ट लैंड को कम्युनिटी पर्पज के लिए कन्वर्ट करवाएं, ताकि वहां पे कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए जा सके सभी की सुविधा के लिए। वहीं नगर परिषद के सफाई अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य वार्डों में बनाए गए स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को खुले में शौच न जाने के बारे में जागरूक करना है, ताकि अपने क्षेत्र को शौच मुक्त बना सकें। इस कार्यशाला में करीबन 70 लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर नगर परिषद के वार्ड पार्षद राजेश चौधरी, पार्षद अनिल चौधरी, मनोरमा लखनपाल, वीना देवी सहित सुजानपुर, नदौन तथा भोटा नगर परिषद से सदस्यों को स्वच्छ भारत मिशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कि खुले में शौच जो जा रहे हैं उसके बारे में की जा रही है, तो हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वो नगर परिषद का सहयोग दें कि नगर परिषद द्वारा ठीकरा पैरा 4 बजे दिया जा रहा है, वार्ड नंबर 10 में दिया जा रहा है, वार्ड नंबर 1 में दिया जा रहा है, तो सभी हमीरपुर वासियों से अनुरोध किया जाता है कि वो नगर परिषद की सहायता दें, ताकि ODF को कर दें यहाँ पर जितने शौच मुक्त हमीरपुर को करेंगे, तब भी हिमाचल में हमारा नाम आ सके।